आज गिरिराज सिंह जी का नामांकन है। जय। आप मंडल अध्यक्ष हैं। अनिल भगत। क्या नाम है? अनिल भगत। अनिल भगत, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जो धमकी दिया है ना, कहा है ना कि घर में घुस के मारेंगे, उसी तरह हम भी विरोधियों को भी कह रहे हैं कि उसको घर में हराएंगे और हम भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, भारत माता की जय। भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी उत्साह है यहाँ के युवा वर्ग में। जिंदाबाद। क्या लगता है आपको, किससे टक्कर है? गिरिराज सिंह का बहुमत फुल मत, 2 लाख मतों से टक्कर। किससे टक्कर नहीं? गिरिराज सिंह का नहीं चलेगा यहाँ पे, किसी से टक्कर नहीं है। बस एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, बस कमल खेलेगा और दूसरा कुछ नहीं। गिरिराज सिंह का बेगूसराय में किसी से गिरिराज सिंह का मुकाबला ही नहीं। बेगूसराय में किसी से गिरिराज सिंह का मुकाबला ही नहीं है। गिरिराज सिंह आज मतों से जीते, भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से गिरिराज सिंह यहाँ पे उसे लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। आफ्ताब आलम है मेरा मंडल टीम का सदस्य। आफ्ताब आलम। क्या नाम है सर आपका? मेरा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, क्या लगता है, आप तो अल्पसंख्यक मोर्चा से है, आपको लगता है की मुस्लिम वोटरों का बिखराव हो रहा है? हाँ, मुस्लिम वोटर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिखराव की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, बिखराव तो किसी तरह का बिखराव ऐसा कुछ समझ में नहीं। ऐसा तो सुना जा रहा है कि CPI में बहुत सारे मुस्लिमों का वोट बट रहा है, तनवीर हसन के तरफ झुकाव बढ़ा है। नहीं, आप अल्पसंख्यक मोर्चा से है इसीलिए आपसे ये सवाल है। नहीं, अल्पसंख्यक वोटर भी जो है गिरिराज सिंह को वोट करेंगे। और किस मुद्दे पे बात करेंगे? एक मिनट, हम बोलना चाहेंगे विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम किए हैं। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस का जो वितरण हुआ उसमें अल्पसंख्यक बराबर का हकदार हुए, और आयुष्मान भारत में भी जो काम हुआ उसमें मुस्लिम हिंदू सभी को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं। वर्गों के लिए ऐसा काम किया गया, सबका प्रधानमंत्री नहीं, क्या सबका साथ विकास जहाँ है वहाँ बिहार में देख रहे हैं। सर्वजन से हिताय, सर्वजन सुखाय वाला यहाँ मोदी जी का जो नारा है, जो अभियान है सबका साथ सबका विकास, पूर्ण रूप से चल रहा है। कितने लोगों की संख्या जुट रही है आज? कितने लोग की संख्या जुट रही है? देखिए, सुभाष यादव है, सभी धर्म के लोग अपना वोट देंगे और भारत सरकार मोदी जी को। आप जदुवंशी हैं जी, तो राजद को वोट नहीं कर रहे हैं ना? क्यों? हम लोग मोदी 72,000 रुपए भी मिल रहे हैं। राजद सरकार नहीं बना रहा 72 सालों से नहीं मिला राजद के लोग, और जो विपक्षी है सरकार कोई नहीं बना रहा है, तो वोट को अपना खद्दा में कहे डाल। अच्छा, मुसलमान भाई भी देखिए, आज कम से कम भीड़ होगा तो लाखों से लाख भीड़ होगा। आपको लगता है कि वोट बहुत अच्छा पड़ेगा? बहुत बहुत मतों वोट से जीतेंगे हम, और ये भारी मतों से जीतेंगे। कन्हैया कन्हैया कुमार तो बोल रहे हैं कि नानी याद दिला देंगे। देशद्रोही है, देशद्रोही, भागो भारत छोड़ो, देशद्रोही भारत छोड़ो, कन्हैया कुमार देशद्रोही भारत छोड़ो, हमारा मोदी सरकार पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्रधानमंत्री का लाया है, और उन्होंने पूरे देश को ये बता दिया। भारत में भी ऐसे प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को नाम और पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत के अमाम, भारत के अमाम पब्लिक को उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने इंदिरा आवास दिया, उन्होंने शौचालय दिया। जो माँ बहन हमारा घर से बाहर शौचालय के लिए जाता था, जिनके पास टाइमिंग बंद था कि 4 बजे से 5 बजे के अंदर करना था, और वो मुक्त है टाइमिंग से, और वो पूरे मुक्त, पूरे समाज में मुक्त है, कभी भी अपने शौचालय को जा सकता है, पूर्ण रूप से अपनी जीवन, अपनी स्वतंत्रता व्यक्त कर सकता है। और हमारा मोदी सरकार पूर्ण रूपेण भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। हमारे पप्पू भैया युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सर जी, पप्पू जी,
बीजेपी जिंदाबाद बस प्रखंड प्रखंड उपाध्यक्ष हुए पूरा पूरा पासवान समाज समुदाय और 1.5 लाख वोटर है सर पासवान का बेगूसराय में पूरा वोट पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि सीपीआई वाले हड़पने की बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कन्हैया कुमार ने पासवान वोटरों पर पकड़ बना रखी है? सर आप जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल कराने गिरिराज सिंह जी का, क्या संदेश लेके जा रहे हैं? सर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो देश का विकास जिस गति से कर रहे हैं उनके बाहर गिरिराज सिंह यहां से नॉमिनेशन कर रहे हैं। तमाम एनडीए कार्यकर्ता का सिर्फ एक नजर नरेंद्र मोदी पर है कि नरेंद्र मोदी हमारा दोबारा प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए गिरिराज सिंह को अपार बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बताइए क्या लगता है 2019 का चुनाव? 19 का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। ये पहले से सिलेक्शन कर लिए एकदम पहले से, क्यों? कैंडिडेट तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे हैं, कन्हैया कुमार हैं, तनवीर हसन हैं, इन लोगों पर क्या मतलब दिक्कत आ रहा है? आज तक ऐसा कैंडिडेट भारत में कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मेरा भारत बहुत सुरक्षित है और विश्व में नाम है। अच्छा, 70 साल से तो कांग्रेस लोग ही संभाल रहे थे, उनके हाथ में सुरक्षित नजर नहीं आता? 70 साल से कांग्रेस, आज इतना देन है वो कांग्रेस का देन है। हाँ। भारत में जो भी आज ये पड़ा हुआ है, काम अराजकता फैला हुआ है, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज कांग्रेस की देन है? हाँ। ये कैसे कह सकते हैं आप? हम 68 साल से मेरा अनुभव है। अच्छा, और क्या लगता है आपको, राहुल गांधी में पावर नहीं है? नहीं, पावर कहाँ है, ये खिचड़ी फर्रोश है, जितना भी ये मिलीजुली सरकार बना चला अभी तक तो नहीं। नहीं, गठबंधन की राजनीति पसंद नहीं है? नहीं है, एनडीए भी तो एक प्रकार का गठबंधन ही है। एनडीए है, एनडीए बहुत चलाया, एनडीए तो अटल जी के समय में भी था। अभी तो रालोसपा जो है वो तो कुशवाहा जी बड़े नाराज हैं। नाराज हैं तो गए। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से गिरिराज सिंह जीते। आप वोट देंगे? हाँ, जरूर देंगे। लगता है 2019 का चुनाव बहुत ठीक लग रहा है? किसको वोट पड़ेगा? मोदी को, गिरिराज सिंह को, यहाँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से पड़ेगा। कन्हैया जी तो बहुत हंगामा मचाए हुए हैं। हंगामा मचाए हुए ऐसे ही नया हल्ला करता है। अच्छा, ऐसे हल्ला, वो जीत नहीं रहे कहीं से? नहीं, 10,000 भी वोट नहीं आएगा। 10,000 भी वोट नहीं आएगा उनको? अच्छा, आपको क्या लगता है? भारत माता की जय हो, मोदी जीतेगा, हर हरदम भगवान का कृपा है, आशीर्वाद है। अच्छा, उन्होंने सारे देश घूमे लेकिन अयोध्या धाम नहीं घूमे, कोई प्रतिज्ञा लेके नहीं घूमे हैं। अच्छा, वो रामराज ही आएगा। रामराज आएगा, ऐसा भरोसा रखते हैं आप पूरा? आपको क्या लगता है, कन्हैया जी हरा देंगे तब? ऐसा कोई, तनवीर हसन हरा देंगे तब? कोई नहीं। लड़ाई किस में है, कन्हैया गिरिराज या तनवीर गिरिराज में? हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हमने बस भगवान से विनती करा कि राम राज आएगा, मोदी जीतेगा, बस भारत माता की जय हो।